हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों को शॉर्ट जीरो लिंक शॉर्टनर वेबसाइट बना करके दिखलाने वाला हूं। तो वेबसाइट का लुक देख सकते हो, कुछ इस तरह का ये लिंक शॉर्टनर वेबसाइट है। तो फ्रेंड्स, आपको इस वेबसाइट का आपको एक पावरफुल एडमिन पेज मिलता है। तो एडमिन पेज कुछ इस तरह का, जिसके अंदर पब्लिशर अर्निंग दिखा रहा है, पब्लिशर अर्निंग फरवरी, पब्लिशर अर्निंग टोटल, रेफर अर्निंग टोटल, टूडे विजिट टोटल, विजिट टोटल, लिंक टोटल, यूजर, ये सारे फीचर मिलता है। अर्निंग रिपोर्ट याद देख सकते हैं कितना यूजर है, यहाँ पे आप देख सकते हो रेफर से कितना ज्वाइन हुआ है। ब्लॉक यूजर कैंपिंग यहाँ से क्रिएट कर सकते हो अपने वेबसाइट के लिए। मैनेज रेट, ओके, यूजर के लिए रेट यहाँ से चेंज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। मैनेज लिंक विड्रॉल पेज सेटिंग मेलबॉक्स अबाउट, कुछ इस तरह का आपको एक पावरफुल आपको वेबसाइट का एडमिन पेज मिलता है। तो वेबसाइट आप देख सकते हो, वेबसाइट के अंदर ये पेज मिल जाता है, होम, पेमेंट प्रूफ, ये आप कुछ का पे आउट रेट वगैरह, लॉगिन, साइनअप। तो कुछ इस तरह का ये वेबसाइट हम आज की इस वीडियो में आप लोग को लिंक शॉर्टनर वेबसाइट बना करके दिखलाने वाले हैं। तो नीचे से अगर आपको डिटेल्स वगैरह मिल जाता है, कॉन्टेक्ट अस, क्विक लिंक। तो फिर इस तरह का लिंक शॉर्टनर वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक स्क्रिप्ट आपके पास होना चाहिए। स्क्रिप्ट प्रीमियम है, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक करो। तो स्क्रिप्ट डाउनलोड करोगे तो जिप फाइल मिलेगा, जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करोगे तो इसके अंदर आपको फाइल मिलेगा, एक मेन फाइल। इसके अंदर तीन फाइल है, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन है, तो डॉक्यूमेंटेशन को आप एक्सट्रैक्ट कर लो। यहाँ पे भी बताया गया है कैसे आप इस वेबसाइट को बना सकते हो। तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे इंडेक्स पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया कैसे स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना है। तो इसके थ्रू देख करके भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं स्क्रिप्ट को, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आपको क्या करना है। तो गाइस, आपको बैक आना है, यहाँ पे आपको एक स्क्रिप्ट मिलता है शॉर्ट जीरो, अभी का वर्जन है 2.0। तो चलिए इसको अपने होस्टिंग पे हम अपलोड करते हैं, अपलोड, और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे लगभग 8 MB का इसका साइज है इस स्क्रिप्ट का। तो फिर अपलोड हो चुका है, इस पर क्लिक करते बैक हो जाएगा मेरा। ओके, आ चुका है, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे जिप फाइल को, एक्सट्रैक्ट फाइल, डबल फोल्डर पे डबल क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे और मूव कर देंगे इसको अपने डोमेन के अंदर। ओके, और बैक आएंगे, अप टू लेवल पे क्लिक करेंगे। तो इस फोल्डर को डिलीट करना है और इस स्क्रिप्ट को आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपना डोमेन नेम ओपन करता हूँ ब्राउजर के अंदर। तो फिर ओपन करने के बाद स्टार्ट इंस्टॉलेशन, यहाँ पे इंस्टॉल पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे डाटा एस का होस्ट नेम, डाटा एस का यूजर नेम, पासवर्ड, नेम, डाटा एस नेम, आपको ये डिटेल फिल करना है। तो आपको बनाना होगा सी पैनल से ये सब। तो चलिए एक सी पैनल से बना लेते हैं एक डाटाबेस, MySQL डाटाबेस, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नाम देते हैं। मैंने यहाँ पे डाटाबेस का नाम दे दिया शॉर्ट जीरो, ओके, और यूजर नेम में भी देते हैं शॉर्ट जीरो, और पासवर्ड एक जनरेट कर लेते हैं। यहाँ से पासवर्ड को कॉपी किया और इस पर आइए कॉपी पासवर्ड करेंगे, टिक लगा के दोनों बॉक्स के अंदर हमारा पासवर्ड पेस्ट हो जाएगा। क्रिएट यूजर पे क्लिक करेंगे, एल परमिशन देंगे, सबमिट टिक लगा के नेक्स्ट स्टेप पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा डाटाबेस बन चुका है, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले हम पासवर्ड कॉपी किए हैं, तो डाटाबेस का पासवर्ड यहाँ पर मैंने फिल किया। डाटा होस्ट के अंदर आपको टाइप करना है लोकल होस्ट, तो उसके आपको डाटाबेस यूजर नेम और डाटाबेस नेम देना है। तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे दोनों, मेरा सेम यूजर नेम और डाटाबेस नेम। तो अलग अलग अगर आपका होता है तो अलग अलग आपको डालना पड़ेगा, तो मेरा सेम है। तो डालने के बाद सबमिट पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे बिल्ड डाटाबेस स्टेप टू पे आपको आ जाएगा, तो बिल्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेप थ्री ओपन होता है, जहाँ पे आपको एक यूजर नेम देना है। तो आप इस कोड को डाउनलोड करोगे तो यूजर नेम आपको साथ ही मिल जाएगा। उसका आपको अपना यूजर नेम बनाना है एडमिन पैनल का, और अपना ईमेल देना है, सही से देना है पासवर्ड, और वही पासवर्ड को दोबारा फिल करना है। यही यूजर नेम पासवर्ड से आप लॉगिन करोगे अपने एडमिन पैनल को, तो सही से आप फिल कर लेना। तो चलिए हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सब कुछ फिल कर दिया, उसके बाद सबमिट पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो चुका है, यूजर डैशबोर्ड, एडमिन डैशबोर्ड। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एडमिन पे लॉगिन करना है। आपको URL है आपका डोमेन नेम /page/admin, यहाँ पे एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड देकर के लॉगिन कर सकते हैं, ईमेल भी देकर के और पासवर्ड देकर के लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं एडमिन पैनल, साइन इन पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे। तो हमारा एडमिन पे यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, देख सकते हो डैशबोर्ड आ चुका है। तो यहाँ पे सब कुछ आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले सेटिंग के अंदर जाना है, सेटिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ से साइट का नाम चेंज करेंगे, टाइटल, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, URL चेंज करेंगे। यहाँ पे ये सब डिफॉल्ट है, इसको आप रेट सेट कर सकते हो, कितने लिंक पे क्लिक आएगा तो कितना सक्सेस रहेगा। तो ये आप 100 कर सकते हो, जितना बढ़ाओगे उतना
लिंक काउंट नहीं करेगा। ओके, यानी मान लो 1000 लोग विजिट करता है तो उसमें से 900 ही काउंट करेगा, 100 काउंट नहीं करेगा, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ओके, एक आईपी से 24 घंटा के अंदर कितना लिंक काउंट करेगा यहाँ पे बताया गया। डोरेशन लिंक का सेकेंड, डिलीट लिंक, ओके डिलीट लिंक नॉट स्किपेड दैट 30 डेज, एड ब्लॉक ये कर सकते हो, रेफर परसेंट कितना देना चाहते हो, करेंसीज के अंदर आप चूज कर सकते हो। अगर आप INR में पेमेंट करना चाहते हो यूजर को तो इंडियन करेंसी यहाँ पे डाल सकते हो। ईमेल आईडी और अबाउट ये सब आपको यहाँ पे देना है। डिजाइनिंग के अंदर भी आपको 2-3 थीम मिल जाता है। सबसे पहले अभी डिफॉल्ट है तो अपना डोमेन ओपन करते हैं, एक बार आपको दिखा देते हैं अभी के टाइम में कौन सा थीम लगा। तो अपन अभी के टाइम में देख सकते हो ये डिफॉल्ट थीम आ रहा है यहाँ पे, इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे थीम शॉर्ट पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये चेंज हो जाएगा। तो फिर देख सकते हो हमारा चेंज हो चुका है ये थीम। तो इस तरह से आपको 3 थीम मिलता है। इसके अंदर आप डिजाइन के अंदर आप और भी बहुत सारे बैकग्राउंड का इमेज चेंज कर सकते हो। जो बैकग्राउंड के अंदर इमेज है इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ से URL अगर आप दे दोगे इमेज का तो आ जाएगा। फेविकॉन का URL यहाँ से चेंज कर सकते हो। एक्टिव लोगो का URL दोगे। यहाँ पे कैप्चा को आपको डालना है, साइट पे जाकर के माइडी कैप्चा पे जाकर के आपको एक कैप्चा जनरेट करना है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे साइट की रिकैप्चा सीक्रेट की दोनों आपको दे देना है, सेव करना। सोशल मीडिया का लिंक यहाँ से दे सकते हो, यहाँ से किसी को भी नए एडमिन बना सकते हो। तो ये सारे मेन फीचर्स है। अगर आप चाहते हो इसका मैं सेकेंड पार्ट बनाऊँ तो आप इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हो। ज़्यादा कॉमेंट आता है तो मैं इसका सेकेंड पार्ट वीडियो भी बना दूंगा। अगर आप ये लिंक शॉर्ट नोट वेबसाइट अगर आप हमसे बनाना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर स्किप थीम प्लगइन सोर्स पर अवेलेबल करता हूँ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, विजिट नाउ। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, बाय।